में जो हालात हैं और जो अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेकाम है, उस वो आपके हुकूमत के 100 रोजा या 150 रोजा या 200 रोजा प्लान से क्या वो खत्ते या दुनिया के वाकयात मुताबिकत रखते हैं या नहीं? या नहीं, ये मैच करना बड़ा जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ इस तरह बताऊं कि एक शख्स गुजरा है तारीख में, उसका नाम था फरीद खान। वो घोड़े पालने वालों का बेटा, घोड़े पालने और ये जो घोड़ों की निगरानी करते हैं इस्तबल में, फरीद खान के नाम से। और एक दफा ऐसा हुआ कि जहीरुद्दीन बाबर मुगल बादशाह, बड़ा मुगल बादशाह, उसने उसके सामने वो बच्चा आ गया, तो उसने अपने जहीरुद्दीन बाबर ने अपने साथियों से कहा कि इस बच्चे पे नजर रखो, इसकी पेशानी जो है, इसका जो माथा है, इस पे मुझे कुछ चमक नजर आ रही है। वो जो फरीद खान है उसको हम तारीख में याद रखते हैं शेर शाह सूरी के नाम से। शेर शाह सूरी जो है वो 5 साल के लिए, 1540 से लेकर 1545 तक, सिर्फ 5 साल के लिए शेर शाह सूरी बना, उसने हुकूमत संभाली जी। और उन 5 सालों में मुस्तकिल लड़ता रहा, मुस्तकिल आगरा, बंगाल, मतलब हर जगह, मुल्तान, हर जगह उसकी मुस्तकिल हालत जंग में रहा। और फिर जंग करता हुआ राजपूतों से मारा गया 1545 में। लेकिन 5 सालों में शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी ने पहली मर्तबा ये चीफ जस्टिस का ओहदा, काजी कजा का ओहदा, पहली मर्तबा फौज मुनजम कैसे होती है, पे स्केल क्या होता है जी। पहली बार तहसील और जिला कचेरी का, और उसका फिर लफ्ज सरकार जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, सरकारी, सरकार, ये वहां से निकला, उसके जमा उधर से आया जी। फिर उसके बाद पहली दफा उसने अगर किसी सड़क पे किसी इलाके में ताजिर लुटता तो वो वहां की जिली हुकूमत बरतरफ। 5 सालों में पहली दफा ये 1 रुपए के अंदर 16 आने, 8 आने, 4 आने, ये आनों और रुपए का इंतजाम, ये जो निजाम था शेरशाह सूरी जी। पहली मर्तबा और इस पूरे खत्ते में, इन पूरे इलाके में। और उसने फिर एक आपकी जो जनरली रोड जिसे कहते हैं, जो शुरू होती थी वो बंगाल से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से पेशावर, जिसका आज भी एक हिस्सा जो है वो जीटी रोड कहलाता है जी। और उसने हर 1500 कोस, और उसके दौर में ये सारा, और फिर उसके बाद हर 2 कोस के ऊपर जो है वो एक सराय, और वहां पे कुआं और दरख्त, और 5 साल, और मुसलसल। देखिए, जो तारीख लिखते हैं ना, तारीख कोई भी लिखता है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि अकबर बादशाह ने कितने साल हुकूमत की, कितने अरसे नेपोलियन रहा, मतलब वो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितना भी वक्त मिला जी, उस वक्त में क्या कर गए।